बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रिक्स विद आयशा खान। आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड आई एम आल्सो फाइन। स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्टूडेंट द वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्प्लाइज दैट वी विल यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द मॉडिफायर अल्ट्रावायलेट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन विल कम फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे अल्ट्रावायलेट रीजन कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन की स्टूडेंट मैंने इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था इंट्रोडक्शन का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ 190 to 400 नैनोमीटर तक जाती है, जबकि हमारे जो विजिबल रेज होती हैं उनकी रेंज कहाँ तक है, 400 to 800 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको पता चला कि वर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इम्प्लाइज दैट वी विल यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ठीक है, ये किस तरह से इंफॉर्मेशन ली जाती है ये हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहली हमारी एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट, एप्लीकेशन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, तो वो कैसी इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले तो ये कि उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारा है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं उनका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है। तो वो किस तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है आए पढ़ते हैं। यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुफीद है तरीका किस चीज़ का, इम्प्योरिटीज़ को फाइंड करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इम्प्योरिटीज़ मीन्स जो उसके अंदर मतलब ना खालिस चीज़ें होती हैं ना, उन्हें इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है। एडिशनल पीक्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ इन द सैम्पल एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल। इस मेथड में स्टूडेंट पता क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड जो रॉ मटेरियल है जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है उसे उसकी वेवलेंथ को फाइंड करके लिख लिया जाता है, और फिर जो हमारे पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, और उसमें से मिलने वाली जो हमें वेवलेंथ होती है उससे और जो हमारी जो स्टैंडर्ड वेवलेंथ थी उसे कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ थी। क्योंकि स्टूडेंट अगर उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, क्योंकि जो उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसकी वेवलेंथ को कम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। ठीक है, बाय आल्सो मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एट स्पेसिफिक वेवलेंथ द इम्प्योरिटीज कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, इस तरह वेवलेंथ को मेजर करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इम्प्योरिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है या फिर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है या नहीं। अगर वो प्योर होगा तो फिर तो उसकी स्टैंडर्ड जो हमने लिख के रखी हुई है वेवलेंथ उससे मिलती होगी, लेकिन अगर उससे चेंज हो रही है तो हमें पता चल जाए, अगर उससे कम हो रही है तो मीन्स उसके अंदर ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ शामिल थी, और अगर उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो मीन्स तब भी इसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी शामिल है, लेकिन अगर बिल्कुल उसके साथ कंपेयर कर रही है तो फिर क्या है कि वो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्योर है। ठीक है, तो ये होती है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। नंबर टू स्टूडेंट, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हम स्ट्रक्चर्स हैं उसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल इन द स्ट्रक्चर इलूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनसेचुरेशन द प्रेजेंस ऑफ हीटरो एटम। ठीक है, इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है उसकी इलूसिडेशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं कि उसमें जो मौजूद कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं, उसके अंदर हीटरो एटम्स हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये होती है स्ट्रक्चर इलूसिडेशन, और ये भी जो है एप्लीकेशन है किसकी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, नंबर थ्री पे स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
हम जो हमारा दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर उसकी क्वांटिटी जो है उसे फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अगर हम मैंने जैसे आपको बताया कि इम्प्योरिटीज़ वाला मैंने आपको फर्स्ट उसका एप्लीकेशन बताया, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्ब करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें क्वांटिटी का पता चल जाएगा, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। उसके अलावा दिस डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन बियर लैम्बर्ट्स लॉ, विच इज सर मैंने आपको बियर लैम्बर्ट्स लॉ पे एक सेपरेट लेक्चर दिया, अगर आपने वो देखा है तो ठीक है आपको इसकी समझ आएगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बगैर आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को सही तरह समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल बेसिक्स जो चीज़ें हैं अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो बताई गई हैं। तो उसमें हमने ई जो था वो पढ़ा था, दैट इज़ द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, और इसे मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहा गया था, जब जब जो कंसनट्रेशन थी उसे मोल पर डीएम क्यूब में मेयर किया जा रहा था। सिमिलरली स्टूडेंट हमने उसमें सी पढ़ी थी, सी इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसकी जो कंसनट्रेशन ली गई थी उसे उसे सी से डिनोट किया गया था। सिमिलरली स्टूडेंट बी इज द लेंथ ऑफ द सेल दैट इज यूज इन अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बी हमने पढ़ा था उसमें वो क्या है कि वो लेंथ है किसकी, यूज इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी की जा सकती है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्योर फॉर्म में मौजूद है उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो कितनी रेज को अब्जॉर्ब करता है, वेवलेंथ के हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने बियर लैम्बर्ट्स लॉ में एक आपको ग्राफ बनाकर दिखाया था एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का, जिससे हमने मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी फाइंड की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आपने अच्छे से समझना है कि ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन एब्जॉर्बेंस के और कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब, तो हमें इससे मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है जितनी एब्जॉर्बेंस हुई है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो स्टडीड इन बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स, स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स में हम जो उसके हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द केमिकल काइनेटिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके स्टूडेंट। इससे हम जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारे रिएक्शन हो रहे होते हैं उनकी काइनेटिक्स को फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी स्टडीड बाई यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, द यूवी रेडिएशन इज पास थ्रू द रिएक्शन सेल एंड द एब्जॉर्बेंस चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। यूवी रेडिएशन को क्या किया जाता है, जो रिएक्शन जो हमारा रिएक्शन होता है उसके अंदर पास करवाया जाता है उसके अंदर से, तो एब्जॉर्बेंस की जो चेंज एब्जॉर्बेंस से जो उसमें चेंजेस आती हैं उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम केमिकल काइनेटिक्स जो है अपने रिएक्शंस की उसे फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पांचवा एप्लीकेशन, इसका पांचवा फायदा क्या था, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अहम किरदार अदा करती है। स्टूडेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कैन बी मेजर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली बाय प्रिपेयरिंग द सूटेबल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइन दैट इज कन्वर्टेड इन टू अमाइनो पिक्रेट, देन अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ अमाइनो पिक्रेट अमाइन पिक्रेट इज डिजोल्व इन लीटर ऑफ सोल्यूशन एंड इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर, ठीक है। इस तरह से हम उसकी जो टोटल डेंसिटी होगी या जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो है ना अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं ना स्टूडेंट। इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ये तो हमने चंद एक जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ा, हमने एप्लीकेशंस पढ़ी अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीज़ है, इसे
इसे किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, मैं तो मैंने आपको बताया कि इसे ऑर्गेनिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया यूवी विजिबल जो होती हैं हमारी रेडिएशंस होती हैं उनकी वेव लेंथ जो है उनकी रेंज मैंने आपको बताई, मैंने बताया कि 190 to 400 नैनोमीटर जो वेव लेंथ है किसकी है, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन की, जबकि हमारे जो विजिबल रेज होती हैं उनकी वो कहाँ तक रेंज करती हैं, 400 to 800 नैनोमीटर। उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई, सबसे पहले मैंने बताया कि डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, दैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, के किस तरह से हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इम्प्योरिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी की जा सकती है बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद हमने भी लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसके हमने ग्राफ बनाया एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसे किस तरह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी क्वालिटी के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, वो कितनी रेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो केमिकल काइनेटिक्स को फाइंड करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया, किस तरह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करती है टू फाइंड द केमिकल काइनेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ओके ठीक है स्टूडेंट, हमने मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमें अब मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। पहली बात तो यह है कि मुझे यकीन है कि आपको तमाम लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा अगर आपने इसे सही से समझा, क्योंकि ये कोई इतनी मुश्किल बात ही नहीं थी, जस्ट एप्लीकेशंस थी, बस फ़ायदे थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नई आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।